पता है इसमें क्या है, प्रसाद एंड बहुत सारा प्यार। आई वॉज लिटरली क्राइंग दैट आई एम मिसिंग द दुर्गा पूजा। आई डिडंट इवन नो द रोड्स एंड एनीथिंग, नॉट द लैंग्वेज। इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। I miss the pendol hopping as well. It feels like I am having a puja in my home. हम बहुत दिनों के बाद आए हैं वरुणी। ऐसा लगता है कि जब जब हम आते हैं तब तब कुछ फंक्शन होता है या फिर हम लोग बिल्कुल सज धज के ही रहते हैं। मेरी फंक्शन नहीं हुआ इतने दिन से, इसलिए हम लोग नहीं आए। आप सभी को अष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। जय दुर्गा माँ। ये भी दिखा दे कि आशिता ने क्या पहना है। बहुत ही सुंदर सा सूट पहना है। देखो देखो देखो, मेरा ये पोटली बैग थी जो मुझे लगता है मैं पता नहीं कितने सालों से चला रही हूँ। वरुणीत का आपको ड्रेस दिखाती हूँ, प्लीज कमेंट में आप लोग लिखो कॉपीकैट वरुणीत, एक नंबर का कॉपीकैट है। कुछ भी। सो हियर आई प्रेजेंट टू यू द कॉपी कैट। बिल्कुल सेम, मतलब मैंने ब्लू पहना है तो पूरा ब्लू इन्होंने कॉपी किया है। कॉपी क्या है, कॉपी करना चाहिए है ना। ट्विनिंग कर रहा हूँ। ट्विनिंग मतलब क्या, जो फर्स्ट ईयर में शादी के पहले बार साल क्रिंज, यू मीन क्रिंज करते हैं ना। मैं अभी तक कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुरा है, आप वो भी कमेंट करके बताओ मेरे को। क्रिंज इज द न्यू ट्रेंड। और साथ में आज आशिता का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे हमेशा से इधर दशहरा में पड़ता है या अष्टमी पड़ता है, एंड आई एम लाइक वेरी ब्लेस्ड कि आज अष्टमी के शुभ अवसर पर ये दिन पड़ा है। हम लोग बिल्कुल रेडी होकर जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग हर साल जाते हैं दुर्गा पूजा में। हालांकि वो जगह चेंज हो गया है इस बार। हाँ, हमेशा हम डुसेलडॉर्फ जाते हैं, बट वो जो ग्रुप है इंडिशे गमाइंडे वो इस बार नॉइस में कर रहे हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और हम लोग एक्चुअली प्रिटी लेट है, बहुत ज्यादा लेट है। हमें ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स लग जाएंगे जाने के लिए, तो हम लोग अभी रास्ते में बात करते हैं एंड वहीं पर माता के दर्शन करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए सबसे पहले दुर्गा माँ के दर्शन कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी सब देखते हैं। दर्शन तो हमने कर लिए और आटे के साथ हमें मिला है, ये सबको मिला है प्रसाद, जिसमें लड्डू है जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुझे ऑलरेडी खाने का मन कर रहा है। और ये जो है, ये प्रसाद जो है वो डायरेक्ट भगवान वाला है, जो भगवान की तरफ से है। क्या बोला तूने? भगवान की तरफ से। लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लेट है, बट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी कुछ कुछ एंड हो चुके हैं, बट जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। अगल बगल से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, काफी दूर दूर से भी कुछ लोग आए हैं। अब थोड़ा बहुत खाना पीना भी कर लेते हैं एंड बाद में फिर वो कल्चरल फेस्ट भी एंजॉय करते हैं। खाने में तो बहुत कुछ था, अब सांबर वड़ा एंड बाकी मेन कोर्स में भी बहुत ही यम्मी डिशेस थी, और ये यहाँ के एक बहुत अच्छे फेमस केटरर नैंडीज की तरफ से था। आशिता को बस लस्सी पीनी थी और उसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, देखो। आशिता भी गई हाथ बटाने के लिए। It takes a village to feed me. हमने ऑलरेडी नैंडीज के बहुत बार खा चुके हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने बहुत बार खाया है नैंडीज का, बट ट्राई करके आपको बता दे कैसा है। कैसा है लस्सी? द गुड थिंग इज ठंडा है। गुड कैसे हुआ, अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है। नहीं बट कुछ कुछ चीजें यार, कोल्ड ड्रिंक आप ठंड में गर्म तो नहीं पीते। True. और मेरा एक्सप्रेशन देखकर आप समझ ही गए हो कि लस्सी बहुत ही अच्छी थी। फिर लस्सी पीते पीते मैंने ये लकी ड्रॉ में भी पार्ट ले लिया एंड फिर मुझे भूख भी लगने लगी, तो मैंने खाना भी उठा लिया। Thank you.
म्यूजिक एंजॉय करते करते हमने देखा कि यहाँ पे किड्स कॉर्नर भी था और कई बच्चे यहाँ पे कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हुए खूब एंजॉय कर रहे थे और बच्चे तो आशिता को पसंद करते ही हैं। देखो यहाँ पे भी इन्हें गिफ्ट मिल गया। हम लोग आए हैं दुर्गा पूजा फेस्टिवल में जो इंग्लिश रिमाइंडर ने ऑर्गेनाइज किया है। हेलो, आई एम शालिनी। आई एम शालिनी। पहले तो कब से है ये इंग्लिश रिमाइंडर? I mean, I think this is the 12th year from the yeah. I am part of this club since 2015, since I came to Germany. I mean, मतलब दुर्गा पूजा के बिना मैं रह नहीं सकती, मैं क्यों? No, Bengali can stay without दुर्गा पूजा. That time my husband started working here and I was working in UK. I came for a short break because it was दुर्गा पूजा and I didn't want to spend my time without my husband. I was not sure if there is any दुर्गा पूजा at all taking place in Dusseldorf or around, so I just googled and found out about this organization. I just came by myself. I didn't even know the roads and anything, not the language, so all alone in a jeans and top I reached the venue and I felt so much warmth from the people of this club that I really wanted to be associated with it from that point of time. I was here from 2021. It was the first year of my marriage and I was outside Bengal and I was literally crying that I'm missing the Durga Puja, and I came here and it, as Shanti Dadi said, that it we felt so warm, like they were so like a home away from home. It's because of her I will say that after 7.5 years I started dancing again. Oh, wow. So, like I am on stage and yes, we do a lot of rehearsals and we do a lot of preparation. This year there was some problem, like she broke my ankle. Perform with them every year and we always used to do Tagore's dance drama. So every year, I mean not every year, we started we were doing it last 2 years. Tagore's dance drama is not a joke. Yes. Present on a platform like this and that also within a month of preparation, so I have such fabulous dancers and we were able to do it, that's why. And this year also we were planning to do another Tagore's dance drama and I had a fracture 2 weeks before the rehearsal was about to start. And then all the performers loved me so much, they said that we wouldn't do a dance drama without you. For me also it's a responsibility to them to make sure that it's not an empty stage, they do something together and I'm also part of it. Recently we had a very shameful incident in Kolkata. We didn't want to forget what has happened, and this is not just one incident. Thousands of such incidents are happening across India, which are not registered or not known to people. But this is one of the case which has happened to a girl who belongs to a middle class family, an educated family, and we can relate to her. That's why this incident has shaken the common people so much. It is an awakening, as the name of the program. It is an awakening for all of us that we have to do something. And so we thought that this is the best time we do something on this concept. And we worked together on the script and the dancers. Everybody of us put the same effort to do this. I forgot to mention the name of a very dear friend, Joita. Probably I will share this vlog with her and she will be very happy. She helped me with the script. The concept is mine and I made few initial drafts, as I said, but she is a professional, like she gave voice to recitations. Oh, wow. And she can write also very beautifully. So she took my script and took it to a different level. You
you are away from Kolkata, from home. I mean, I'm not sure you're from Kolkata, yes, from Bengal at least. And Durga Puja is huge there. Yeah. And aapko yahan pe itne saal itne dur rehkar, of course, this helps. Mm-hmm. But still, how does it feel being so far away from home? And yeah, still be a small part of it at least. My daughter's performance, that they, even they are not with us, they can connect with us when they see the our performances, our videos and photos, and yeah, we try to stay connected over phone, touch wood, to WhatsApp and other technologies these days. Yeah, this is also true for me. Like my parents, they are Durga Puja, like their plan of Durga Puja has shifted a bit right now, because they went to pandal hopping and all this, and then they wait for my performance. This is like a regular Durga Puja schedule for them now. But I would say one thing, that in Kolkata, I never got so much involved as I get involved here. It feels like I am having a puja in my home. Like from start to end, we are doing it like our house. So if anything false happens, anything, it's like we are performing in our house, it can happen. Mm-hmm. That is something we can all relate to, jo hum log India se itni dur rehte hain. एंड स्पेसिफिकली हम ईस्ट इंडियंस के लिए एटलीस्ट दुर्गा पूजा इतना बड़ा महत्व रखता है एंड इतनी दूर रहकर भी हम स्टिल दुर्गा पूजा मना पा रहे हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. ऑफ कोर्स आई मिस द पेंडोल हॉपिंग एज वेल, बट आई होप दैट हैपेंस हियर सून. यस, देयर आर सो मेनी दुर्गा पूजा नाउ. थैंक यू सो मच, आपने हमें थोड़ा टाइम दिया अपने अभी प्रोग्राम से. I hope कि ये और भी अच्छा हो और भी बड़ा हो. और जैसे जैसे प्रोग्राम वाइंड अप हुआ, वैसे वैसे अगले दिन के लिए थोड़ी बहुत तैयारियां भी शुरू हो गई. देख रहे हो बेटा, भरा हुआ है. पता है इसमें क्या है? प्रसाद एंड बहुत सारा प्यार. इतना ज्यादा, लाइक टच वुड, इतना ज्यादा प्यार मिला है एंड ऑल्सो आशीर्वाद. हाँ, बहुत अच्छा लगा. मतलब इट्स काइंड ऑफ अ होम अवे फ्रॉम होम, जो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बोलती हूँ कि यू नीड अ होम अवे फ्रॉम होम. तो दिस इज दैट फॉर अस. लग नहीं रहा है कि आप फॉरेन कंट्री में हो और आपको मिस करने का, इंडिया मिस करने का मौका नहीं मिलेगा. ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे गोलगप्पे खिलाते हैं, वो आप डेफिनेटली मिस कर रहे हो इंडिया का, वो आपको मिस यहाँ पे कर पाओगे. बट हाँ, वो जो आस्था का जो आप मिस कर रहे हो, वो आपको मिस नहीं होने देंगे ये लोग. इस बार का वेन्यू थोड़ा आइसोलेटेड है, थोड़ा अलग है बाकी हमने जो 2 साल ज्वाइन किया था उससे. जो कि आज जरूरी भी था, क्योंकि exactly. थोड़ा लोग बढ़ रहे हैं तो दे नीड अ बिगर प्लेस. आल्सो आप लोग, आपको आज थोड़े कम लोग दिख रहे होंगे क्योंकि आज वीकडे है, बट कल वीकेंड है और बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं नवमी एंड दशमी दोनों वाले दिन. तो नवमी को वी बोथ हैव कमिटमेंट्स थोड़े, तो शायद हम वी कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, बट सिंदूर खेला में तो बिल्कुल ही आएंगे हम. बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आए एंड ऑफकोर्स दुर्गा माँ के पास आए, उनका आशीर्वाद मिला, वो तो है ही, बट साथ ही साथ बाकी इतने लोगों का भी प्यार मिला, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. आई थिंक घर जैसा फील हुआ, अच्छा फील हुआ, होम जैसा फील हुआ ना, तो और क्या ही कहूँ. मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ ओवरवेल्म्ड. आई थिंक बस इतने में मैं ख़त्म कर दूँगा व्लॉग ये बोलते हुए कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें. एंड कमेंट करके बताइए कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा. अगर आपने हमारा कोई एक नवरात्रि सीरीज़ देखा है शॉर्ट्स का, तो वो भी आप आई थिंक आई बटन में देख सकते हैं. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अब सिंदूर खेला में. बाय बाय.